ब्लास्ट इतना जबरदस्त था सप्लाई में कि आप देख लो इसकी जो बैक है, ये जो ये ढक्कन है, इसका भी क्या हाल हो रखा है। सेंसुई का एलईडी है स्मार्ट वाला, 32 इंच का एलईडी है, और इसमें हुआ क्या, कस्टमर के घर पे टीवी चल रहा था, आप ये देख रहे हो, ये जो एरिया ये देख रहे हो, ये बैक पे ये ऐसे लगा हुआ था, और इसका मॉडल नंबर आप देख लो, मॉडल नंबर है JSC32LSHD। चुहिया ने कर दिया बाथरूम इसकी, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी पावर सप्लाई उड़ गई, ये यहाँ से पुर्जे फट गए, और ये रेजिस्टेंस भी उड़ गई थी इसकी, और ये पूरी आईसी वाईसी सब फट गई इसकी, आईसी मतलब पूरी सप्लाई डैमेज होगी। तो मैंने लगाया इसमें ये वाला सर्किट, इतना बेहतरीन काम किया सर्किट ने जो उम्मीद थी मुझे। एक प्रॉब्लम आई मुझे इसमें सर्किट लगाने के बाद कि जो मेरे यहाँ पे 12 वोल्ट बनते थे, जैसे ही मैं सेट ऑन करता था तो 12 वोल्ट की जगह 9 रह जाते थे, तो मेरा सेट जो उस पर सिर्फ सेंसु ही लिखाता था, बाकी उस ऑफ हो जाता था सेट दोबारा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो कपलर है वहाँ पे लगाया मैंने 0.22 MFD 50 वोल्ट का एक कंडेंसर, उसके बाद वो समस्या भी मेरी सोल्व होगी, मेरे को यहाँ कंटिन्यू 12 वोल्ट मिल रहे हैं। लगाना कैसे है आप इस पे देख लो, ये 5 तार हैं इसकी मोसफेट की। सबसे पहले आप ये मोसफेट हटा दोगे मेन वाला, और ये जो आईसी है ड्राइव आईसी इसकी, ये भी हटा दोगे। उसके बाद करना क्या है आपको, जो ब्लैक वाली तार है वो मेन फिल्टर के नेगेटिव पे, और ग्रीन तार लगा दी हमने पॉजिटिव पे मेन फिल्टर के, और ये जो येलो तार है वो लगा दी हमने अपने मोसफेट के ड्रेन पे। ड्रेन मतलब ये समझ लो आप, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है ये वाली, जहाँ पे गैप ज्यादा है ट्रांसफार्मर के बीच में, दो पिनों के बीच में, और जहाँ से 350 वोल्टेज जो आ रही है आपके फिल्टर से होती हुई इस ट्रांसफार्मर पे और यहाँ पे आती है, तो वो उसे बोलते हैं ड्रेन। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे होंगे व्हाइट वाली तार लगा दी हमने, जो हमारा प्राइमरी साइड का हिस्सा है उस पर एक हिस्सा है बिना नेगेटिव वाला, तो जो बिना नेगेटिव वाला यानी कि फर्स्ट वाली जो पिन है उसको बोलते हैं फोर्थ पिन, उस पे लगाना है व्हाइट वाला, और जो रेड वाला है, रेड वाला आप देख लो इस ट्रांसफार्मर के ठीक साथ में एक डायोड लगा रहता है, उसके पॉजिटिव पे लगाना है, और ये पॉजिटिव टच होता है हमारे इस कंडेंसर के, जो एक कंडेंसर लगा सप्लाई में उसके पॉजिटिव से, तो उन दोनों के बीच में लगाना है इसके, यानी कि पॉजिटिव है। तो कुल ये जो 5 कनेक्शन है ये बड़े ही नॉर्मली कनेक्शन है और बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं। उसके बाद किसी कारण से अगर वोल्टेज कम पड़ती है तो ये वाला कंडेंसर नेगेटिव पे नेगेटिव कर देना, और जो व्हाइट वाली तार है उस पर लगा देना पॉजिटिव। 1 MFD तक का आप लगा सकते हो, 0.47 लगा सकते हो, जो 2.2 लगा सकते हो, उससे ज्यादा कंडेंसर की वैल्यू यूज मत करना यहाँ पे। और सप्लाई होगी हमारी ओके, मैं टीवी चला के आपको दिखाता हूँ, देखो अभी ये आ गई हमारी, और ये कर दिया मैंने ऑन, जबकि कोई उम्मीद ही नहीं थी सेट की गई ठीक होएगा। अब ये देखो दोस्तों, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये ठीक होएगा, अब बस यही था कि भाई खराब हो चुकी है अब सप्लाई भी, और बोर्ड भी इसका मैं लगा नहीं सकता था कोई और, क्योंकि बोर्ड भी आप देख रहे हो ना इसकी LVDS, जो नॉर्मल बोर्ड है उसकी LVDS नहीं आती इस तरह की, तो हम इसमें कोई और बोर्ड भी नहीं लगा पा रहे थे। और इस पे लगा है जो एक ये लॉजिक कार्ड, तो LVDS देख लो कितनी बारीक इसकी थी फीता ये वाला, तो इस पे नॉर्मल बोर्ड भी नहीं चलता, इस बेहतरीन वर्क करता है ये सर्किट। और बहुत सारी LED मैं लगा चुका हूँ अब तक, और ये एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहा। अगर आप मैकेनिक हो तो भाई आप भी लगा सकते हो, अपना बोर्ड ठीक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आप डालता ही रहता हूँ।